मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कल सुबह जब मैं इस लुक में नहीं आऊँगी तो मुझे कैसा फील होगा मुझे ठीक है सर दो मिनट में आना सेट पे नो टैंट्रम्स टाइम पे आना टाइम पे करना सब कुछ करना और तो ए, आ, स्पाइडर रख दिया था फिर मैं वो डर गई थी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मैं थोड़ी देर पहले भी आ, रोना धोना तो चल ही रहा है एक हफ्ते से उस उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है बट ठीक है और इमोशनल होना बनता भी है बिकॉज़ दो साल से ज़्यादा टाइम बिताया हमने एक साथ इस शो के लिए मैंने राधा बनकर जिया है मैंने उसे तो आई थिंक मिस तो मैं बहुत ज़्यादा करने वाली हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कल सुबह Uh, जब मैं इस लुक में नहीं आऊँगी तो मुझे कैसा फील होगा मुझे मैं सोच भी नहीं रही हूँ उस बारे में पर वो तो कल ही सुबह पता चलेगा आई थिंक मैंने हर अपने इंटरव्यू में बताया है कि मेरा उनके साथ बॉन्ड कैसा है अफकोर्स बहुत अच्छे अच्छा लगता है उनके साथ करके बहुत हंसी मजाक करते हैं बहुत गेम्स खेलते हैं हम तो बहुत मज़ा आता है करके और जब हमारे क्लोजेस होते हैं तो हम एक दूसरे की शक्ल देकर कर ही नहीं पाते हम दोनों इतना हंसते रहते इतना हंसते रहते हैं और वो क्लोज़ करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर <laughs> बिल्कुल एक प्रैंक नहीं बहुत प्रैंक किए उन्होंने मैंने बहुत बार बताया भी है कि उन्होंने एक बार यहाँ पे स्पाइडर रख दिया था फिर मैं वो डर गई थी फिर मॉल में भी वो पानी के हम पानी वाला एक सीक्वेंस कर रहे थे तो नीचे से वो स्विम करके आके मेरा पैर पकड़ते तो मुझे लगा शायद पता नहीं क्या होगा फिर मैंने घूम कर दिखा वो थे तो ऐसे करते तो वो रहते ही हैं तो हम हर चीज़ याद रहने वाली है सीखा तो मैंने बहुत कुछ है आ, मैं बता शायद नहीं पाऊँगी कि मैंने क्या सीखा है पर बोलता ना जहन में बैठ चुका है कि कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें राधा से ज़रूर सीखी है मैंने श्लोक पढ़ने का इतना टाइम तो कभी होता नहीं था यहाँ पे काफ़ी सारे श्लोक पढ़े उसका मतलब भी मैंने जाना है और आ, बस आ, बहुत सारी चीज़ें हैं यार मैं कैसे बताऊँ राधा खुद पूरी ही एक ऐसी चीज़ इंसान है जिसके अंदर सिर्फ अच्छाई ही है और थोड़ी थोड़ी ऑफ़ कोर्स मैं उससे लेने की कोशिश करूँगी और ख़ुद पर वो डालने की कोशिश करती रहूँगी फ़िलहाल तो मैंने सोचा नहीं है आज भी मैं शूट कर रही हूँ तो इसलिए मैं सिर्फ शूट मोड़ पे ही थी आ, और मेरा अभी फ़िलहाल कहीं मैंने कुछ बनाया तो नहीं है ऐसा प्लान कि मुझे कहीं घूमने जाना है पर हाँ अगर जाऊंगी तो आप सबको मेरे सोशल मीडिया से पता चल ही जाएगा जहाँ शुरुआत हुई थी वहाँ एंड में भी हम लोग साथ में है तो वी आर जस्ट ग्रेटफुल फॉर देट अ वेरी सिमिलर नोट की टेक्निकली हम लोग के तो लास्ट डेज हो ही गए हैं जब हमारा कैरेक्टर खत्म हुआ बट आफ्टर दैट लाइक शी सेट कि ऐसा कुछ सोचना और जो आपकी ओरिजिनल कास्ट थी जिसको ऑडियंस डे वन से देख रहा है उनको वापस बुलाना जस्ट टू क्रिएट दैट बिट ऑफ कनेक्टिविटी विद दैट ऑडियंस आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव ऑल्सो वो, वो थॉट इतना प्यारा है yeah. सो लाइक शी सर इट्स अ वेरी रेयर थिंग मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था जो कंटिन्यू जो आपके एक्टर्स कंटिन्यू करते हैं उनके साथ ही शो एंड हो जाता है पर ये जो उन्होंने किया है ये बहुत हटके चीज़ है जो कि शायद yes. बहुत सालों तक लोग याद रखेंगे कि ऐसा कभी हुआ होगा प्रॉबली दे माइट फॉलो द सेम नोट ऑल्सो वेन दर एंड द शोज सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग दिस शुड बी अ ट्रेंड एवरीबडी शुड डू दिस एक्चुअली हमने सीखा uh, मुझे लगता है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ आप कितने हम्बल रहते हैं उससे शब्बीर सर से हमने सीखा है मतलब उनके उनके बारे में बोलना भी क्या ही बोले ऐसा है सब लोग जानते ही है कि हर चीज मतलब सर को हमने कभी देखा ही नहीं है कि वो कभी किसी पे चिल्ला रहे या गुस्सा कर रहे या कुछ चीज़ बोल रहे कि उनको कुछ भी कह दो सर नहीं? ओके सर ठीक है सर दो मिनट में आना सेट पे नो टैंट्रम्स टाइम पे आना टाइम पे करना सब कुछ करना और तो ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि आप मोस्टली ये नहीं देखते हो लेकिन हमने हमारे सेट पर ये देखी यूनिटी देखी मैंने यहाँ पर यहाँ पर मैंने देखा कि हम लोग सब साथ में रह यूनिटी के साथ और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते तो आप वो काम लगता ही नहीं है जैसे अभी हम यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं तो हमारा हमेशा का यही रहता था हम सुबह आते थे सात बजे लेकिन हमारे साथ कब शाम के बज जाते थे हमें पता नहीं था मतलब मॉर्निंग से लेके संभावना और मैं तो हम सुबह आते थे साढ़े छः बजे रात को ही जाते थे बट स्टिल हमें लगता ही नहीं था कि हम शूट कर रहे क्योंकि हम प्रेशर कभी आया कभी नहीं, नहीं, नहीं आया और हमारे डायरेक्टर भी प्रतीक सर प्रतीक शाह जी उनके बारे में बिकॉज उन्होंने माहौल इतना अच्छा पॉजिटिव इतना अच्छा रखा हमेशा से कि हमें कभी लगा ही नहीं हम See, काम कर रहे हैं बेसिकली क्या होता है ना जो आपने जूनियर्स और सीनियर्स वाली बात की आई थिंक हमारे इंडस्ट्री में और इवन एनी इंडस्ट्री में आप कारपोरेट में चले जाओ या कहीं पर चले जाओ वैन यू सीनियर्स आर नाइस ना जूनियर्स विल फॉल इन टू प्लेस सो वेन यू गेट सीनियर्स लाइक शबीर आलू वालिया और और जो कादंबरी प्ले करी है स्वाति मैम या फिर मनीषा मैम हो जो भी इन्होंने सबको जो ऐसे करके रखा है बिकॉज वो बहुत ऐसे यूनाइटेड और बहुत हम्बल है थिंकिंग में yeah. उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया वरना हायर आर्की आ जाती yeah. फिर ग्रुपिज्म आ जाता फिर वो सारी चीज़ें वो हो ही नहीं पाया क्योंकि जो ऊपर है उनको लगा कि सबको साथ में चलना चाहिए yeah. तो हम बाई डिफॉल्ट साथ में चलते गए चलते गए चलते गए नाव यू रीच हियर टुगेदर